हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट टीवीएस चैप्टर सिक्स. टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर सिक्स. चैप्टर नेम प्लांट्स अराउंड अस. चैप्टर सिक्स है प्लांट्स अराउंड अस. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे चारों तरफ होते हैं. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर रिवियस बुक, ओपन पेज नंबर 29. अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए. There are plants around us. Plants need sunlight, water, air, and soil to grow. Plants. Students, हम लोग जहां भी रहते हैं वहां आसपास आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देंगे. अगर आप घरों में हैं तो घर में हम लोग गमले रखते हैं, उसमें प्लांट्स लगाते हैं. अगर हम लोग विलेज में हैं तो वहां पर तो चारों तरफ ट्रीज आपको दिखते ही हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं. और ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं धीरे धीरे, तब जब इन्हें सनलाइट, एयर, वाटर सब चीजें मिलती हैं और साथ में इन्हें सॉयल मिलती है, तब फिर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. दे ग्रो इन मैनी प्लेसेस सच एज गार्डन्स, फील्ड्स एंड फॉरेस्ट. अब हमने बात कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट, एयर, वाटर और सॉइल की जरूरत पड़ती है. सारी चीजें उसको जिस भी जगह पर मिल जाती हैं वहां पर ये प्लांट ग्रो करते हैं. अब इन प्लेसेस में हम ज्यादातर देखते हैं कि फील्ड्स, गार्डन, फॉरेस्ट, ये सारे प्लेसेस ज्यादातर होते हैं जहां पर हमें प्लांट्स आसानी से दिख जाते हैं. वी कैन इजिली फाइंड इन दैट प्लेसेस वेयर द प्लांट्स ग्रो. द रीजन इज बिहाइंड इज इन दैट प्लेसेस प्लांट्स आर गेटिंग द सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल. सिंस दे आर गेटिंग द ऑल थिंग्स सो दे कैन इजिली ग्रो इन दैट प्लेसेस. In the picture below, take all the plants that you can see. अब यहाँ बुक पे एक पिक्चर दिख रही है. आपके पास बुक है, आप उसमें देख सकते हैं. मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ. पिक्चर में आपको बताना है, टिक करना है उन सभी पर जो कि प्लांट्स हैं. तो इस पिक्चर में आपको जहां जहां प्लांट्स दिख रहे हैं आपको उस पर टिक करना है. ये पिक्चर मैंने नजदीक ले आ दिया, आप इसको ठीक से देख लीजिए और इसमें आपको सारे प्लांट्स पर टिक करना है. प्लांट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स. किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बिग एंड टॉल्स आर कॉल्ड ट्रीज. अब प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं.
अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जो बिग एंड टॉल होते हैं, उनको ट्रीज बोला जाता है। मतलब ऐसे प्लांट जिनकी साइज बड़ी लंबे हैं, उनको हम ट्रीज कहते हैं। आप बहुत सारे ट्रीज अपने आसपास देखे होंगे, क्योंकि आप लोग विलेज में रहते हैं तो वी कैन इजीली फाइंड द ट्रीज इन द विलेज। इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी आर लिविंग इन द विलेजेस। अगर आप किसी भी विलेज में हैं, किसी भी गांव में हैं, तो वहां पे आप आसानी से बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे। वैसे सबसे ज्यादा ट्रीज फॉरेस्ट में होते हैं, लेकिन विलेज में हम लोग बहुत सारे ट्रीज आसानी से मिलते हैं। तो जो ट्रीज होते हैं वो साइज में बिग एंड बहुत लंबे लंबे टॉल होते हैं, तो प्लांट्स को ट्रीज बोला जाता है। डिफरेंट साइजेस, अब इनकी साइज भी अलग अलग होती है, अलग अलग ट्रीज की अलग अलग साइज होती है। नाउ पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पर आ जाइए। Some plants are small trees. They are called shrubs. Shrubs have woody stems. अभी हमने ट्रीज की बात किया। जो ट्रीज होते हैं वो बिग एंड टॉल होते हैं। अब जो सेकेंड टाइप का प्लांट होता है वो होता है shrubs. Shrubs की स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी साइज स्मॉल होती है और इनके जो स्टेम है वो वुडी होते हैं। वुडी स्टेम का मतलब ये है कि इनका कलर ब्राउन होता है। इनके स्टेम का जो कलर है वो ब्राउन कलर का होता है। तो शब्स जो होते हैं साइज में स्मॉल होते हैं और वुडी स्टेम होती है। नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम्स। उसके बाद होते हैं हर्ब्स हर्ब्स भी स्मॉल होते हैं साइज में और इनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है और साथ में वीक भी होती है। तो स्मॉल होते हैं, स्टेम होती है और ये वीक प्लांट्स होते हैं। ट्रीज They need help to stand straight. These plants are called climbers. फिर आते हैं climbers. Climbers सीधे खुद नहीं खड़े हो सकते, इनको किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। जिससे कि ये ऊपर की तरफ बढ़ सके, ये क्लाइंबर्स बोले जाते हैं। नाउ कम एट पेज नंबर 31। पेज नंबर 31
Most plants have, some plants grow on the ground. They are called creepers. कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पर ही चारों तरफ ग्रो, तो ये सब आपके टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। सबसे पहले ट्रीज जो बिग एंड टॉल होते हैं, फिर श्रब्स जिनकी साइज स्मॉल होती है और स्टेम बॉडी होती है ब्राउन कलर की, फिर हर्ब्स साइज में स्मॉल होते हैं, स्टेम ग्रीन होती है और ये वीक होते हैं। फिर क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स खुद नहीं खड़े हो सकते, इन्हें किसी हेल्प या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जिससे कि ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ बढ़ सकें। क्रीपर्स, ये क्रीपर्स ग्राउंड पे चारों तरफ ग्रो करते हैं और फैलते जाते हैं। तो ये 5 टाइप के प्लांट्स होते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स, flowers are of different shape, sizes and colors. अब ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स की भी अलग अलग शेप, साइज और कलर होता है। मीन अलग के प्लांट्स में इनके फ्लावर्स की भी शेप साइज अलग अलग होती है। नाउ हाउ प्लांट्स हेल्प अस, प्लांट्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, दे गिव अस मैनी थिंग्स। प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। यूजफुल इसलिए हैं क्योंकि हमें इनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। We get fruits and vegetables from plants. We get pulses and grains. We use the flowers and leaves of plants to make medicines. Trees give us sage. अब देखिए हमें इनसे क्या क्या मिलता है। Vegetables, fruits, grains, pulses, leaves and seeds. चीजें मिलती हैं, इन्हें बहुत चीजें जिनसे मेडिसिन भी बनाई हैं। सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल, यूजफुल एंड बर्ड्स आल्सो। Like in trees, birds build nests on the branches of trees to keep their eggs and young ones safe. Some animals and birds eat the leaves, fruits, and nuts from trees. अब प्लांट जितने यूजफुल हम लोगों के लिए हैं, उतने ही यूजफुल ये एनिमल्स के लिए भी होते हैं। और उतने ही यूजफुल बर्ड्स के लिए भी होते हैं। ट्रीज पर ये एनिमल्स अपना घर बनाते हैं, उसी पर रहते हैं। बर्ड्स भी ट्रीज पर अपना नेस्ट बनाती हैं। इन नेस्ट में इनके वंश रहते हैं, छोटे बेबी रहते हैं, ये सेफ भी रहते हैं और वो उनका हाउस भी होता है। तो ट्रीज इनकी बहुत सारी
हेल्प करते हैं, साथ में इनसे ही इन्हें खाने के लिए फूड भी मिलता है। फूड के रूप में ये फ्रूट्स और नट्स का यूज करते हैं जो कि इन्हें इन्हीं प्लांट्स और ट्रीज से मिलता है। वी मेक हाउसेस सेट्स बोर्ड्स डोर्स विंडोज पेपर एंड फर्नीचर विद द वुड फ्रॉम ट्रीज। प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स प्लांट्स डू इज टू गिव अस द ऑक्सीजन टू ब्रीथ। वी शुड नॉट कट देम। वी शुड ट्राई टू ग्रो प्लांट्स एट होम। प्लांट्स में सारी चीजें मिलती हैं, उसके अलावा ट्रीज से हमें वुड मिलता है और इस वुड से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे बोट, फर्नीचर, पेपर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें ट्रीज के वुड से ही बनती है और इन सब के साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें प्लांट से मिलती है वो होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ये ऑक्सीजन ही हमारी हेल्प करती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही कैरी होती है। तो इस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जरूरी हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि वी शुड नॉट कट द प्लांट्स। हमारे लिए जरूरी है कि हम पेड़ों को ना काटें बल्कि ज्यादा से ज्यादा इनको ग्रो करने की कोशिश करें। हमें अपने घरों पर प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दिस योर चैप्टर 6 इज नाउ फिनिश्ड। All of you watch the video many times, practice of it, and even if you have any question, you can ask in the WhatsApp group. So today's class is now over. Tomorrow I will again meet with the same time for the same subject. Thank you, students.